अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ इमरान अब्बासी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस लेक्चर में हम थुसीडाइडस ट्रेप का टर्म जो बहुत ही मशहूर है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो डिस्कस करेंगे। थुसीडाइडस ट्रेप है क्या? आपको पता होगा कि ये जो थुसीडाइडस है, ये एथेंस का ग्रीक का एक बहुत बड़ा मशहूर और तारीखी मशहूर वो जो साइंटिस्ट था, ठीक है, तो उसके नाम से ये टर्म मंसूब किया गया हुआ है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। द टर्म वॉज कॉइंड बाई ग्राम टी एलिसन। ही वॉज एन अमेरिकन पोलिटिकल साइंटिस्ट एंड आथर ऑफ द बुक डेस्टिन टू वार। ये जो डेस्टिन टू वार इसने बुक लिखा है, इस बुक में इस ट्रेप टर्म का भी जिक्र किया है, ठीक है। तो द टर्म इज नेम्ड आफ्टर 5th century एथेनियन हिस्टोरिकन थुसीडाइडस, ठीक है, जो कि एक रियलिस्टिक पैराडाइम का राइटर था। रियलिज्म के बारे में भी इसने बहुत कुछ लिखा है। तो इस टर्म का मतलब हम समझते हैं इस फ्रेज में कि इट इज़ थुसीडाइडस ट्रैप इज़ एन आइडिया, कि ये ट्रैप एक आइडिया है कि दैट राइज ऑफ न्यू पावर, कि दुनिया में जब एक नई ताकत खड़ी होती है इकोनॉमिकली या किसी भी यू नो एस्पेक्ट में, प्राइमरली आजकल तो इकोनॉमिक का बहुत बड़ा रोल है, वो राइज होती है तो एज अ कॉम्पिटिटर टू एन एग्जिस्टिंग वन। और जो उस ऑर्डर में, वर्ल्ड ऑर्डर में एक ऑलरेडी मुल्क जो है वो खड़ा हुआ है, कॉम्पीट कर रहा है, तो उसके कॉम्पीट में एक जब नया मुल्क या पावर इमर्ज करता है, तो ये सिचुएशन जो होती है लाइकली टू लीड्स टू द एस्केलेशन ऑफ पॉलिटिकल टेंशंस एंड वॉर। तो पॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो सरफेस करते हैं और वो उससे जंग भी लग सकती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दूं कि लिबरल ऑर्डर में USA जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मुल्क है, ठीक है, और उसके कॉम्पिटिशन में चाइना, नॉर्थ कोरिया भी इमर्जिंग पावर है। चाइना इकोनॉमिकली जो नया ग्लोबलाइजेशन का एक वेव चल रहा है वो चाइना के फेवर में है, और USA की सारी ग्लोबलाइजेशन नीचे आ रही है। तो ये एज अ रिज़ल्ट अमेरिका और चाइना के माबेन एस्केलेशन हुई। वो 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की थी कि वी आर गोइंग टू इम्पोज न्यू ट्रेड एंड टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स इन USA, ठीक है, तो उस ट्वीट के बाद अमेरिका और चाइना में एक टेंशन क्रिएट हुआ, जिसे ट्रेड वॉर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना बहुत सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। चाइना और USA एक तो पॉलिटिकल टेंशन बरकरार है, जंग के भी अमकान हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब जर्मनी ने जो है ना वो उठना शुरू किया, तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे ममालिक मैदान में आ गए। ईरान भी 1979 के बाद एक ताकत बन रहा था, तो उसको भी कंटेन करने के लिए USA ने बहुत बड़ी गेम खेली थी। आज एज अ रिज़ल्ट जो है वो जो ईरान है आइसोलेटेड है, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट मोर द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी सॉरी इंटरनेशनल यू ना सिस्टम ऑफ नेशंस। सो दैट्स ऑल अबाउट द थुसीडाइडस ट्रैप। आई होप दैट के वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।